आइए सर 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 सामने से आगे वाला को बोलो समझिए थोड़ा वीडियो लेना ना पागल हो क्या फतवा के वीर शहीद अमर रहे जहां असंख्य हमारे लोगों की जानें चली गई, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी। हर साल की तरह इस बार भी हम सब लोग अपने उन पूर्वजों को याद करने, उनके उस शहादत को अपने सीने में जगाए रखने के लिए एकत्रित होते रहे हैं। उसी का आज ये भी एक कड़ी हम लोगों ने फिर से जोड़ा है और ये परंपरा हमारे पूर्वज से लेकर के हम सबों से लेकर के आने वाली पीढ़ी तक के चलता रहेगा। 2021 का ये पहला जनवरी मोबाइल ऊपर मत कीजिए। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सबको और झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हर साल की भांति इस बार भी, जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश एक वीर भूमि है, हर कोने में, हर चौक चौराहे में इस राज्य के सपूतों ने हमेशा से संघर्ष किया और कई संघर्षों में उनकी जानें चली गईं, वो शहीद हो गए। इसी झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में हमारा ये खरसवां क्षेत्र पड़ता है। आज ही के दिन यहां खरसवां में की जाएगी कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक, इस विषय पर बिल्कुल गहनता से हम लोग इसके अंदर जाने का प्रयास करेंगे और इस विषय पर जो हमारे सरकार के तरफ से आंदोलनकारियों के लिए सहयोग होगा, अभी सरकार इस पर काम कर रही है। यूं तो आंदोलनकारी आयोग बना है लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इस राज्य में आंदोलन की एक लंबी इतिहास और फेरिस्त खड़ी है, जहां हर लोगों तक, हर आंदोलनकारी तक पहुंचना
जरूरी है, इसको लेकर हम आगे कार्य योजना तैयार कर चुके हैं और इसको लेकर बहुत जल्द आपके समक्ष, आपने देखा होगा कि इस राज्य के शहीदों को और विशेषकर कोल्हान क्षेत्र के गोवा शहीदों को सर्वप्रथम हमारी सरकार ने ही उनको जंगलों से खोजकर नौकरियां दी थी। खरसावां के आश्रितों को कब मिलेगा सर इसके लिए? हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस राज्य के सभी आंदोलनकारियों को सम्मान से सुशोभित किया जाएगा और उनके परिजनों को सहायता देगी। सबसे पहले आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका दें। कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, सावधानी के साथ 2021 की ओर हम लोग प्रवेश करें। धन्यवाद। खरसावां का 500 बेड अस्पताल, पहली बात, आपको लगता है ये चरम पर है? सर, ये सरकार ऐसी है कि कोई भी घटना का पर्दा डालने का काम नहीं करती, किसी घटना को हम लोग ढकने का काम नहीं करते, और जो घटनाएं होती हैं उस घटना पर तुरंत कार्रवाई होती है। सर, 500 बेड अस्पताल के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। बिल्कुल, वो भी होगा।